अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा पाई नेटवर्क की केवाईसी को लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्तों को पाई नेटवर्क की केवाईसी के हवाले से बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं। वो जितने भी हैं, आज की इस वीडियो के अंदर मैं सारा कुछ बताऊंगा। सबसे पहले कुछ दोस्तों को जो है यहाँ पर मसला आता है, उनकी केवाईसी जो है वो रिव्यू इन प्रोग्रेस है, यहाँ पर आपके सामने है। तो यहाँ पर केवाईसी पेंडिंग में पड़ी हुई है, इसको क्लियर कैसे करना है, ये कब होगी, ये आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। जुड़े रहें वीडियो के साथ। नंबर टू पे यहाँ पे कुछ दोस्तों को जो है यहाँ पे ये शो करता है, जब वो अपनी केवाईसी करने जाते हैं पाई वैलेट के, सॉरी पाई ब्राउज़र के अंदर, जब वो जाते हैं केवाईसी डॉट पाई के ऊपर क्लिक करते हैं, तो उनको जो है ये स्लॉट ओपन होती है। तो इन दोस्तों की केवाईसी जो है वो कब होगी, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ दोस्तों का जो है, पहले ये देख लें, 8 स्टेप जो है वो उनका पेंडिंग में रुका हुआ है, कि 8 स्टेप उनका जो है वो कब क्लियर होगा, क्योंकि ये क्यू में पड़ा हुआ है। तो इसका स्टेटस इस तरह ग्रीन जो है अप्रूव कब होगा, क्योंकि ये अप्रूव होगा, 8 स्टेप कम्प्लीट होगा, तो आपके जो टोकन है वो यहाँ पे आपके वैलेट के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ये आपको वैलेट जो है नज़र आ रहा है, ठीक है, इस वैलेट से ट्रांसफ़र होंगे, फिर अवेलेबल बैलेंस में यहाँ पे तब जो है आप सेल कर सकते हैं। तो 8 स्टेप जो है वो आप कंप्लीट कैसे करेंगे, क्या तरीका कार है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अपनी टीम के साथ भी ये वीडियो लाजमी शेयर करें, ताकि उनको भी ये नॉलेज जो है लाजमी मिले। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे रिव्यू इन प्रोग्रेस के हवाले से बताता हूँ। इससे पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वायरी हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर और आपको मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है वो भी मिल जाएगा। कोशिश करें कि व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर लाजमी ज्वाइन हूँ। उस ग्रुप के अंदर बाइंग सेलिंग भी मैं करता रहता हूँ पाई की, और यहाँ पे जितने भी माइनिंग प्रोजेक्ट आते हैं फ्री वाले या इन्वेस्टमेंट वाले, तो वो भी वहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ, तो लाजमी ज्वाइन कीजिए आप। सबसे पहले यहाँ पे हम सवाल करते हैं कि हमारी जो केवाईसी है वो है यहाँ पे पेंडिंग में, ठीक है, केवाईसी रिव्यू इन प्रोग्रेस में है, तो इसको हमने क्लियर जो है कैसे करना है। तो गाइस, इसका सबसे आसान जो आपको मैं समझाना चाहूँ सिंपल लफ्ज़ों में अल्फाज हैं, वो जब आपको केवाईसी आपका प्रोसीजर जो है रिसीव हुआ था, तो उसमें आपने गलती की थी, या तो आपका CNEC जो था वो इंग्लिश कार्ड नहीं था, या तो फिर कोई और इशू, नेम में गलती हो जाती है वहाँ पे, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो होती है CNEC की उसमें कोई गलती हो जाती है, जिस वजह से जो है हमारी KYC डाटा प्रोवाइड जो हम करते हैं वो सही नहीं होता, तो ये रिव्यू में चली जाती है। नंबर वन ये मसला होता है, तो इस वजह से रिव्यू इन प्रोग्रेस KYC चली जाती है। अब यहाँ पर इसका सोलूशन क्या है भाई, चले हमसे गलती होगी, KYC जो है रिव्यू इन प्रोग्रेस होगी, तो इसको हमने क्लियर जो है वो कैसे करना है। इसको क्लियर करने का कोई अभी तक तरीकाकार नहीं है। एक वीडियो है जिसके हवाले से आप अपील जो है कर सकते हैं, उसका लिंक जो है मैं ऊपर इसी वीडियो के आई बटन के अंदर दे दूंगा, उस वीडियो को लाजमी देखें। नेम का अगर कोई इशू आ रहा है तो उसको आप जो है क्लियर कर लें। हो सकता है पहले आपने यूज़र नेम जब अकाउंट बनाया था नेम और दिया हो, CNEC से जब आपने KYC, जब जो है CNEC का मसला आ सकता है कि पहले आपने नेम कुछ और लिखा हुआ था, फिर CNEC पे नेम जो है वो कुछ और था। अच्छा, इस वजह से जो है वहाँ पे आप जाके अपील कर सकते हैं, तो एक दो अपील करेंगे तो आपकी KYC का स्टेटस जो है अप्रूव हो सकता है। अगर वहाँ से भी ना हुआ तो फिर कोर टीम जो है आपको एडिट का बटन देगी, तो अभी जो है फिर आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते, ये रिव्यू इन प्रोग्रेस ही रहने वाली है। ये नहीं पता, इसकी कोई लिमिट नहीं दी गई कि 1 साल 2 साल 6 महीने 4 महीने, क्योंकि लोगों की 1 साल भी हो गया है तो उनकी जो KYC है वो रिव्यू इन प्रोग्रेस चली हुई है, तो रिव्यू इन प्रोग्रेस वाले जो दोस्त हैं वो पेंडिंग में हैं। अब नंबर टू पे आता है, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन अप्लाइंग। अगर आप अप्लाई करने के लिए ट्राई करते हैं तो आपको स्लॉट अवेलेबल नहीं है। स्लॉट अवेलेबल ना होने की एक रीज़न है कि आपको अभी तक 30 दिन जो है वो कम्प्लीट नहीं हुए कि आप इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं, अपनी अपनी माइनिंग जो है वो कर रहे हैं पाई के ऊपर। जब 1 महीना पूरा आप इसके ऊपर अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखेंगे तो आपको जो है पाई की KYC की स्लॉट जो है वो अवेलेबल कर दी जाती है, आप अपनी KYC जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर जो है ये आपको शो नहीं होता जो अभी आपको इस तरह का शो हो रहा है। तो कोशिश करें कि आपको 30 दिन हो गए हों, अगर 30 दिन से ज़्यादा आप कर रहे हैं तो फिर आप रेगुलर नहीं हैं।
अगर ये स्लॉट आपको अवेलेबल नहीं हो रही तो रेगुलर 30 दिन अपनी मायने करें, और 31 डेज़ जब आपके हो जाएंगे तो फिर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी KYC का प्रोसीजर जो है आपको मिल चुका होगा। और यहाँ पे 8 स्टेप जो है इसको आपने कंप्लीट कर कैसे करना है, 8 स्टेप जो है इसका फेज चला हुआ है। अभी 3 मिलियन यूज़र को कोर टीम ने दिया था कि 8 स्टेप जो है आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। ये प्रीवियस वीक के अंदर काफ़ी लोगों के जो है 8 स्टेप कंप्लीट हुए हैं, अभी भी कुछ लोगों के जो है 8 स्टेप कंप्लीट हो रहे हैं। इसका भी कोई कंपनी ने तरीकाकार नहीं रखा कि अपना 8 स्टेप जो है आप खुद मैनुअली जो है कंप्लीट कर सकें, इसको भी आप नहीं कर सकते। ये भी कोर टीम जो है खुद अपने सिस्टम से जो है आपका अप्रूव करती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपको शो करता है ये अवेलेबल बैलेंस। तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे उनका वैलेट के अंदर जो है बैलेंस शो हो जाता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि यार हमारे पास टोकन आए हुए हैं, हम इनको सेल कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। तो बेशतर लोग जो है वो ज़्यादातर सेल कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले वक्त में 2024-25 में हो सकता है हमारे मोबाइल के साथ कोई मसला हो जाए, हमारा पासफ्रेज गुम हो जाए, या हमारे पाई नेटवर्क अकाउंट के साथ कोई मसला हो सकता है। तो या गलती से भी यहाँ पे अगर आप अपना फिंगर चेंज करते हैं, पासफ्रेज भूल जाते हैं आप, तो भी आपका मसला जो है बन जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस आपको शो नहीं होता, यहाँ पे आपको बैलेंस जो है शो हो रहा होता है, क्योंकि लोग मुझे पाई सेल करते हैं ना, तो उनके जो टोकन हैं वो यहाँ पे जहाँ पे अभी आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे पड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होते। तो वो कहते हैं जी हमने सेल करना है, जब वो मेरा एड्रेस लेके मुझे सेंड करने लगते हैं तो यहाँ पे आके, तो जब जो है वो उनको बताता है कि आपके अकाउंट के अंदर जो इतना बैलेंस नहीं है, फिर वो जब मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो उनकी सिचुएशन कुछ इस तरह होती है। अभी इसको आपने क्लियर कैसे करना है, अभी इस सिचुएशन को आपने इस तरह क्लियर करना है, यहाँ पे आपको माइग्रेशन का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको जो है ये आपके टोकन शो कर देता है। तो जो टोकन आपको नीचे शो करता है वहाँ पे आपको जब मूव का बटन नज़र आ, पहले तो डेट भी वो बता देता है कि फ़लाँ डेट को आपके टोकन जो है आपके वैलेट में आ जाएंगे, अगर उस डेट को ना आए तो वहाँ पे जाके आपने लाजमी देखना है, वहाँ पे मूव का बटन होता है, 2 एरो होते हैं राइट और लेफ्ट एक एक, ठीक है। तो मूव पे क्लिक करेंगे तो आपके जो टोकन है वो यहाँ पे आपको जो है आपके अवेलेबल बैलेंस में आ जाते हैं, जहाँ से आप जो है यहाँ पे सेंड पे जाके जिसको सेंड करना हो सेल करने हो, कोई ट्रस्टेड बंदा देख लें, अगर वो ट्रस्टेड हो तो आप उनके साथ भी डील कर सकते हैं, अगर टोकन आपने मजबूरी के तहत सेल करना है तो मेरे साथ भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई और अगर आपका क्वेश्चन है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आके मेरे साथ आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।